फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज सर्दियों का मौसम चल रहा है और मैं सर्दियों वाला हैक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको पूरी सर्दियों में बहुत ही काम आएगा। और अगर आप दही के शौकीन हैं और विंटर में भी आप दही इस्तेमाल करते हैं, तो ये हैक आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। देखिए, दही को किसी भी सीजन में खाया जाए, हर सीजन में सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दही की एक खास बात होती है कि विंटर के सीजन में दही को जमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो चलिए, माइक्रोवेव में दही जमाने का एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दूध लेना है और दूध बॉयल होना चाहिए और थोड़ा ठंडा किया हुआ होना चाहिए। देखिए, मेरा दूध बॉयल होके ठंडा हुआ है और मुझे इसे 30 सेकंड के लिए पहले माइक्रोवेव करना होगा। इसको थोड़ा गुनगुना करेंगे हम माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए। अब हमारा दूध तब 30 सेकंड के लिए गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच जामुन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हमें इसे एक ऐसे प्लेट से कवर करना है जिससे कि इसमें से थोड़ी सी भी भाप बाहर ना निकले। इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये सारा प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे जैसे दही जमाते हैं, सिर्फ इसको हम माइक्रोवेव में जमाएंगे। अब इसको इसके ऊपर हम प्लेट लगा देंगे। इसको हम ऐसे प्लेट से कवर करें ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से बंद रहे। इसके लिए हमें माइक्रोवेव प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप किसी भी ढक्कन से कवर कर सकते हैं। अब हम इसे अलग रख देते हैं। तो आगे हम फिर क्या करेंगे कि हमें एक मल्टीपर्पज तवा लेना है जो कि माइक्रोवेव सेफ है और इसे हमें माइक्रोवेव के अंदर रख देना है। इसको रखने से हमें ये होगा कि इसे हमें गर्म करना है ताकि उसके अंदर का सारा इन्वायरमेंट गर्म रहे और तब इसके ऊपर हम दही रख के उसको अंदर से जमाएंगे। तो इसे हम ले चलते हैं माइक्रोवेव के पास। इसको तब इस मल्टीपर्पज प्लेट को हम इसके अंदर रख देंगे। अगर ये प्लेट हमारे पास ना हो तो आप इसके जगह पे आप टर्निंग टेबल पे भी प्रीहीट लगा सकते हैं और इसके अंदर कोई भी रैक का प्रयोग नहीं होगा, ना हाई रैक और ना ही लोअर रैक। तो इसको हम पहले 200 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करेंगे। देखिए, हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। अब इसमें हम दही वाला बाउल अंदर रख देंगे और इसे इस प्लेट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और हमें इसमें माइक्रोवेव को अपना एकदम बंद रखना है। अब इसे हमें चलाना नहीं है और 4 से 5 घंटों तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसे बीच में देखना नहीं है। 4 से 5 घंटे बाद ही हम इसे चेक करेंगे कि हमारा दही जमा कि नहीं जमा। देखिए, तो मेरी दही 4 से 5 घंटों में जम के तैयार हो गई है और मैंने इसे थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। अब मैंने इसे फ्रिज में से निकाल दिया है। देखिए कितनी अच्छी दही जमी हुई है। देखिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। दही अच्छे से एकदम इतने विंटर के सीज़न में भी जम के तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।